समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। मेरे पीछे जो आपको गाड़ियों को काफिला दिख रहा है, ये समर्थन है, ये समर्थन है बीजेपी का नीतीश कुमार को। ये पूरे के पूरे बीजेपी के विधायक हैं जो अभी अपना समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। सर, क्या बैठक में बातचीत हुई है? अभी एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुने गए कौन? नहीं, अभी चुना जाना शेष है। क्या सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन रहे हैं? बन गए हैं। तो ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं जो एक एक कर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो सकती है। शंभुनाथ, दैनिक भास्कर, पटना।